दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले इसका संकल्प लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है। दोस्त, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब देखा होगा, क्लिक कर लो दोस्त, बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको सही जानकारी मिले हमेशा ब्रह्मचर्य के ऊपर। देखिए, यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें डिटेल में बात करनी जरूरी होती है। सबसे पहले, अगर आप संकल्प लेते हो तो एक चीज याद रखो कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो संकल्प लेने से क्या होगा, आपको एक वैलिडेशन मिलेगी खुद की कि हां, मैंने एक संकल्प ले रखा है और मुझे अब तोड़ना नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। लेकिन अगर आप संकल्प लेते हो तो कैसे लेना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप संकल्प लेना चाहते हो दोस्त, आपको अपने दिल की सुननी है सबसे पहले। तो दिमाग का अगर सुनोगे तो बहुत फंस जाओगे बुरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरह की चीजें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद नो फैक करते हैं 5 या 6 दिन के लिए और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको दुनिया जहान की बेनिफिट्स मिलेगी। वो ये सोचता है कि हमने 10 साल तक गलत काम किया था और हम रिकवर हो जाएंगे सिर्फ 1 हफ्ते में। तो लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है यार। आपको बेनिफिट्स पाने के लिए भी टाइम लगता है दोस्त, ये कोई हलवा नहीं है कि हमने नो फैक किया, 3 दिन हमने रोका, नो नट नवंबर हम कर लेते हैं यार, हमें सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। आप 10 या 15 साल से भुगत रहे हो, आपको एक बीमारी ही है समझ लो, एक तरह की लत लगी हुई है, और आप चाह रहे हो कि यार तुरंत से ठीक हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, ध्यान से सुनिए, लोग क्या करते हैं, वो 5 या 6 दिन नोफैप करते हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, वो तोड़ देते हैं अपनी स्ट्रीक और जाकर आपको समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नोफैप बकवास है, कुछ नहीं होता इस ब्रह्मचर्य से, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनसे खुद नहीं होता। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही उनकी जैसी चले। तो यहां पर दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप एक बार संकल्प लेते हो तो आपको लेना कैसा है, ये आपको मैं बता देता हूं। आपको सबसे पहले 2 काम करने हैं। एक, शांत वातावरण में बैठना है, शांत, जहां पर कोई हल्ला या कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला बिल्कुल ना हो। दूसरी चीज, हो सके तो ये संकल्प आप हमेशा मॉर्निंग में लें। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो संकल्प लेते हैं ना, वो ज्यादातर समय तक आपके साथ बना रहेगा, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जो संकल्प आप शाम में लोगे, जो संकल्प आप रात में लोगे, और जो संकल्प आप सुबह में लोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं अगर कोई भी टारगेट सेट करता हूं कि दिन में मुझे क्या क्या करना है, तो वो मैं रात में सेट नहीं करता, मैं सुबह में सेट करता हूं। क्यों? क्योंकि सुबह में एक एनर्जी रहती है और दिमाग बेहतरीन काम करता है मॉर्निंग में। क्योंकि आप देखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई भी अगर आप करो तो मॉर्निंग में ज्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का फायदा यही है कि आप जो भी करोगे आप उसको जल्दी कर पाओगे और उसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आप अगर कोई भी काम करो तो। तो संकल्प हमेशा लें शांत जगह पर, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में। अब आपको लेना कैसे है संकल्प, ये मैं आपको बताता हूं। बैठिए और पलथी मारकर बैठिए, ठीक है? इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन। यानी कि क्या, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करें। ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करने के बाद गहरी गहरी सांस लें, ताकि आपका जो ब्लड है, फ्लो है, जो भी, वो स्टेबल हो जाए थोड़ा सा, ताकि आपका ब्रेन जो है अच्छे से काम कर पाए। अब आपको संकल्प लेना है, क्या बोलना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठानी है कि डजंट मैटर मैंने क्या किया था पिछले 10 या 12 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, आज से, अभी से, कल से नहीं, आज से। मैंने जो भी गलत काम किया मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। मैं, कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। कोई कुछ भी बोले यार, आपको 1000 लोग आपकी पैर पकड़े, हाथ पकड़े और कहें कि यार मत कर ऐसा, तब भी आपको गिव अप नहीं करना है।
आपने कुछ भी देख लिया, किसी भी तरह का लिंक देख लिया यार, आपको गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, आपको गिव अप नहीं करना है यार। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, नो फैप कर रहे हो, पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है ये सब, वो लोग आपसे सवाल पूछने आएंगे यार 2 साल या 3 साल बाद, वो खुद चल कर आएंगे आपके सामने और कहेंगे यार हम खुद एडिक्ट हैं, और आपसे सवाल करेंगे कि यार आपने कैसे किया ब्रह्मचर्य का पालन, वो आपसे पूछेंगे, तब आप जाकर उन्हें जवाब देना कि हां मैंने खुद की सुनी थी, मैंने अपने दिल की सुनी थी और इसलिए मेरी जिंदगी बदली। अब बात आती है कि अगर आपका संकल्प टूटता है तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं और बाय चांस अगर उनसे टूट जाता है ना संकल्प, तो वो दोबारा से संकल्प लेने से घबराते हैं, और अगर उन्होंने ले भी लिया संकल्प तो उनका संकल्प टूटने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको संकल्प पे भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने तो संकल्प लिया था पिछले बार, लेकिन उनका संकल्प क्या हुआ, टूट गया। तो अब क्या होगा, संकल्प उनके लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए दोस्त फैसला आपको करना है कि आपको संकल्प लेना है या आपको बिना संकल्प के ध्यान केंद्रित करना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेते हो तो याद रखना कि अगर आपका संकल्प टूटा तो दोबारा हो सकता है कि आप वापस कभी भरोसा ही ना कर पाओ उस संकल्प पे। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो संकल्प होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन धीरे 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 एक चेन बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कल से जिम करूंगा, टूट गया संकल्प, फिर क्या किया हमने, कल से जिम पक्का करूंगा, वो वाला संकल्प भी टूट गया, फिर और टूट गया, फिर ऐसे करते करते आप कभी जिम गए ही नहीं, आपने कभी एक्सरसाइज करी ही नहीं। तो इसलिए पहले वाला संकल्प मैं कह रहा हूं इतना जरूरी है। फैसला आपके ऊपर है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आपको संकल्प लेना ही, फैसला आपका है, चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है दोस्त। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा संकल्प का मतलब, कैसे संकल्प लेना है, फायदे और नुकसान क्या है संकल्प लेने के। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, प्यारा सा एक कमेंट करते दोस्त, और शेयर करें अपने भाई या बहनों के साथ ताकि उनको भी थोड़ी मदद हो जाए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।